नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव 24 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ मनु तिवारी। आइए रुख करते हैं देश की उन तमाम बड़ी खबरों पर जो आज सुर्खियों में बनी रही। पाकिस्तान की तरफ से बारामूला में हुई फायरिंग में एक बीएसएफ ऑफिसर और दो जवान शहीद, दो आम नागरिक भी मारे गए। आयुर्वेद दिवस पर पीएम मोदी बोले, कोरोना काल में पूरी दुनिया में आयुर्वेदिक उत्पादों की मांग बढ़ी। भारत में पारंपरिक दवाइयों के वैश्विक केंद्र की स्थापना करेगा WHO। इंस्टाग्राम पर पेश किया गया वैनिश मोड, यूजर्स को मिलेगा स्क्रीनशॉट का अलर्ट। नीतीश कुमार बोले, 15 नवंबर को एनडीए विधायकों की बैठक होगी, उसमें सभी चीजें तय होंगी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, 10 दिन में COVID-19 की स्थिति काबू में आ जानी चाहिए, हम जरूरी कदम उठा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल बोले, पराली को खाद बदलने वाली बायो डीकम्पोजर तकनीक दिल्ली में कामयाब रही। दिवाली से पहले केदारनाथ मंदिर को फूलों से सजाया गया। अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पहुंची, राम जन्मभूमि स्थल पर पूजा की। अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम के राम की पौड़ी पर तैयारियां लगभग पूरी। दीपोत्सव कार्यक्रम में लगभग 5.5 लाख के ऊपर दिए जलाए जाएंगे। वाराणसी में सेना में भर्ती के नाम पर युवकों से 28 लाख रुपए की ठगी करने वाला गिरफ्तार, फर्जी नियुक्ति पत्र देकर कई लोगों को बनाया शिकार। बिहार चुनाव नतीजे पर मुनव्वर राणा ने ओवैसी की तुलना जानवर से की, बोले हिंदू राष्ट्र बनाने में बीजेपी की मदद कर रहे ओवैसी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने माटी कला के हुनरमंदों के उपहार को काफी सराहा, खरीद लिया सारा बचा सामान। सीएम योगी आदित्यनाथ का पीएससी के कर्मियों को प्रोन्नति का तोहफा, 5042 बने हेड कांस्टेबल। लखनऊ के बंद्रा में जहरीली शराब पीने से 3 की मौत, एक गंभीर, डीएम अभिषेक प्रकाश ने दिए जांच के आदेश, एडीएम पूरी मामले की जांच करके देंगे रिपोर्ट। दारू कहाँ पिया था? कोटेदार। कोटेदार नाम का है? ननको कोटेदार। ननको कोटेदार, लतीफ नगर ना? हाँ। गांव लतीफ नगर है? हाँ। अच्छा, कब पिया था? कल सुबह कई बजे रात चालू करना है, हाँ 8 बजे। कल 8 बजे? हाँ। शाम को भी पिया था? परसों शाम के नहीं। अच्छा, दारू पीने के बाद ये दिक्कत हुई? हाँ, दारू पीने के बाद दिक्कत हुई है। अच्छा, कितनी पी थी? 100 ग्राम। कौन सी दारू बेचते हैं? देसी। देसी क्वार्टर वाली है कि ऐसे बनाने वाली? मिट्टी तेल खुशबू आ रही थी। नहीं तो घर पे बनाते हैं कि मॉल लाते हैं कहीं से? मॉल लाते हैं, मॉल लाते देखते थे। अच्छा, क्वार्टर वाली ना, तो उनके घर में ठेका तो है नहीं कि है? ठेका नहीं। अच्छा, चोरी से बेचते हैं? हाँ, ब्लैक में बेचते हैं। अच्छा अच्छा, दारू पीने एक बार ऐसी हालत हुई है। चलो ठीक, परेशान हो ठीक हो जाओगे। लखनऊ के ठाकुरगंज के बालागंज एकता नगर में बड़ा हादसा, निर्माणाधीन मकान की छत गिरी, 2 लोग घायल। मोहनलालगंज से बीजेपी सांसद कौशल किशोर, नशा मुक्त समाज आंदोलन की शुरुआत 3 दिसंबर से करेंगे। के द्वारा एक आंदोलन चलाया जा रहा है नशा मुक्त समाज, कौशल का क्या कुछ उसके बारे में जानकारी, आंदोलन कब से काम करेगा, कितने लोगों के बीच में काम करेगा, उसके बारे में जानकारी। ये नशा मुक्त समाज आंदोलन है अभियान कौशल का, जिसकी वजह से लोगों, नई पीढ़ी के लोगों को नशा पीने से रोकने का संकल्प करा है, जो अपने जीवन में नशे का यूज़ नहीं। क्योंकि मेरा खुद का बेटा आकाश किशोर लोगों के चक्कर में फंस गया और उसने नशा करना शुरू कर दिया और इतनी लत पड़ गई कि उसका ज्वाइंडिस खराब हुआ, डैमेज हो गया और विगत 19 अक्टूबर को उसकी डेथ हो गई। उस वजह से हम लोग बहुत आफत हैं और अब हम चाहते हैं कि जो नई पीढ़ी के लोग हैं वो नशा मुक्त हों, नशा मुक्त समाज बनाने में कामयाबी हासिल करें, उनको संकल्प कराना है। क्योंकि जो नशा पीते हैं उनको रोक पाना एक बड़ा मुश्किल काम है। नई पीढ़ी के लोगों को नशा पीने से रोकने में जो सफलता मिलेगी, उससे जो पीते होंगे उनके परिवार में तो धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। इस तरह 3 दिसंबर 2020 को 1000 लोगों का संकल्प दिवस करा रहे हैं, संकल्प कराएंगे कि नशे का सेवन नहीं करेंगे। फिर वो हर महीने एक एक लड़के को और जोड़ेंगे, इस तरह वो दो हर दूसरे महीने में
2000 हो जाएंगे और तीसरे महीने में 4000 हो जाएंगे, तो लोगों को जोड़ते रहेंगे और लगभग साल भर में करीब 20 लाख लोग संकल्प ऐसे ले लेंगे, नई पीढ़ी के लोग जो नशे का सेवन नहीं करेंगे। तो मेरा अनुरोध भी है कि दीपावली के अवसर पर लोग कम से कम नशे का सेवन न करें और जुआ न खेलें। त्यौहार को अच्छी तरीके से, त्यौहार खुशियों के लिए होता है, त्यौहार जो है मुसीबत के लिए नहीं होता है। तो लोग नशा का सेवन करके और जुआ खेल करके मुसीबत न बुलाएं, बल्कि त्यौहार को खुशियों की तरीके से दीप जला करके मनाने का काम करें। दीपावली की पूर्व संध्या पर आजमगढ़ के देवारा क्षेत्र के पंडित नगीना स्नातकोत्तर बालिका महाविद्यालय में DIG सुभाष चंद्र दुबे ने छात्राओं को मिशन शक्ति अभियान के बारे में बताया। इसके साथ ही उन्हें स्वावलंबन बनाने और आत्म सुरक्षा के बारे में भी जानकारी दी। कार्यक्रम के अंतर्गत आज पंडित नगीना स्नातकोत्तर महाविद्यालय बालिकाओं को जागरूकता के कड़ी में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो विगत शारदीय नवरात्रि से महिला सुरक्षा की संकल्पना को लेकर, महिला अवेयरनेस की संकल्पना को लेकर 6 माह तक अनवरत कार्यक्रम चलाए जाने का निर्देश दिया गया है, उसी की कड़ी में प्रयास था। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, क्योंकि बहुत सारे सैकड़ों की संख्याओं में बच्चियाँ कार्यक्रम में उपस्थित थी। मेरे द्वारा उनको शासन के द्वारा जो महिला सुरक्षा, स्वाभिमान व स्वावलंबन की संकल्पना को लेकर के मिशन शक्ति अभियान चलाया जा रहा है, उसके बारे में डिटेल से ब्रीफ किया गया। साथ ही साथ 1090112 सहित जो अन्य हमारे हेल्पिंग नंबर्स हैं, जो इमरजेंसी सर्विस के रूप में महिलाओं बच्चियों द्वारा प्रयोग किए जा सकते हैं, उनके बारे में भी बताया गया। इसी कड़ी में मेरे द्वारा बच्चियों को करियर ओरिएंटेड भी काफ़ी चीज़ों को लेकर के उनको जानकारी दी गई। कुल मिलाकर के इस प्रकार के प्रयास आगे भी अगले 6 माह तक लगातार वासंतिक नवरात्रि तक चलते रहेंगे। इसी शासन के निर्देश के क्रम में ये कार्यक्रम भी हुआ है। ठीक है, अब तक इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देश दुनिया की ऐसी ताज़ातरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए Alive24News। देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे चैनल Alive24News को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।